मेन मार्केट है हाथरस का। ये देखा टॉवल तौलिया, बस तौलिया खोलना स्वामी, मेरा एक ही हाथ है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं मार्केट जा रही हूँ। तो कोई काम है ऐसा जरूरी? ईशू को बोला था मैंने कि चल मेरे साथ गोलगप्पे खिलाऊंगी, उसने मना कर दिया कि नहीं भागी हो, बहुत गर्मी है, ई रिक्शा देखूंगी, कोई ई रिक्शा जाएगा। आज तो इंतज़ार करना पड़ा, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा तब ई रिक्शा मिला। वैसे ना गली से ही निकलूंगी ना तो पहले से ही खड़े हो जाते हैं कि चलना है, और या कहीं जाना नहीं होगा तो भी पूछते हैं चलना है कहीं जाना है। मैं पहुंच तो गई बाजार में, मार्केट में मैं पहुंच गई हूं और मैंने अपना काम भी कर लिया। अब मैं आपको दिखा रही हूं बस खाली मार्केट, ये ना मेन मार्केट है हाथरस का। तो मैंने उससे बोला था ईशू चल ले मेरे साथ, मुझे बस थोड़ा सा काम है, तो उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी मुझे बहुत गर्मी है बाहर, मैं नहीं जा रहा। सोमू से बोला, सोमू ने भी मना कर दिया। मैंने लालच भी दिया कि चल गोलगप्पे खिलाऊंगी, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। और इधर ये देखो साड़ी की दुकान है, और इधर ये एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे टेलर वेलर बैठते हैं, ब्लाउज के पीस सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो जी ये है मेन मार्केट यहाँ का, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, कपड़े से लेके और सारा कुछ, मतलब जूते चप्पल, इधर ये जूते की दुकान, ये घड़ी, इधर ये सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और बर्तन भी देखो, अरे कह रही हूँ ना मेन मार्केट है यहाँ पे। अभी टाइम गर्मियों का टाइम है ना, और मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ क्योंकि फिर मुझे ई रिक्शा निकल गया, लेकिन ई रिक्शा अभी मैं थोड़ी देर में लूँगी बाद में, क्योंकि ई रिक्शा में बैठ कर ना फिर वीडियो बनती नहीं है। जब मैं घर से चली थी ना तो आज ई रिक्शा थोड़ी देर में मिला। वैसे गली में देख कर ही रुक जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा देर हो गई तो थोड़ी देर में मिला। इधर ये चूड़ियाँ कोई है नहीं, क्योंकि अभी धूप और गर्मी ना बहुत हो रही है। अभी सोमू के लिए एक टावल और देख लूँ, सोमू कह रही थी एक टावल ले आना मेरे लिए। और ये आ जाता है यहाँ पर चौराहा, एक टावल दिखा दो, तौलिया चाहिए, रुए का बिना रुए वाला, कॉटन वाला, बिना रुए तौलिए का। ये रिक्शे वालों के भी अपने ही नखड़े हैं। हैं बैठो, तो ये रिक्शा बड़ा बहुत है। ये रिक्शा में जी बैठ गए हैं, सोच रही थी कि कुछ चुस्की वाली खाऊंगी आइसक्रीम, पर ये रिक्शा मिल गया। सोमू के लिए टॉवल ले लिया और अब चलते हैं घर पे। ये देखो मार्केट, अब तो सीधे घर ही चलते हैं, अकेले आना तो फिर मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, कुछ खा लो या पी लो, है ना। और इधर देखो क्या हो गया, ये जामुन और ये क्या नींबू, क्या कह रही थी अभी पेड़ कहाँ से आ गए। तो ये बैठे अब चलते हैं घर पर, अब तो मौसम देखो कितना बढ़िया होगा, फिर घर पे पहुँच करके तब जाऊँगी दूध लेने के लिए। ये इधर रेलवे स्टेशन है यहाँ का, ये देखिए है ना, फाटक खुला मिल गया, ये अच्छी बात है, नहीं तो फिर खड़ा होना पड़ता। मेरे पास ना माइक नहीं है ना, तो उसकी वजह से बाहर की आवाज़ कितनी आती है, नॉइज़ जो होती है ना वो कितनी आती है। मेरी आवाज़ कम आ रही होती है, मैं जब एडिट करती हूँ ना तब सुनती हूँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब तो इतना नहीं फील होता कि कितनी किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जब एडिट करो ना तब माइक की कमी महसूस होती है, क्योंकि बाहर की आवाज़ इतनी नहीं आनी चाहिए। तो अभी माइक तो मैंने लिया नहीं है, अभी सोच रही हूँ लूँगी, क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं लगती है जब बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो जब तक माइक नहीं है तब तक सह लो। देखो डॉगी को देखो कितने आनंद आ रहे हैं, ये पीठ खुजा रहा है, ये शायद सुन भी इसने मेरी बात। तो ये रिक्शा भी छोड़ दिया है और अब मैं घर पहुँचने वाली। अरे भाई को यार मैं नहीं मना कर रही, आनंद ले ले पीठ पे। ये देखो
सोच के गई थी कि ना नारियल पानी तो पीऊंगी, बहुत टाइम हो गया मैंने नारियल पानी नहीं पिया। तौलिया उलिया भी तो अपनी पसंद की तो होती है ये कलर। मैं पहले तो सोच रही थी कि ना कैसे कलर लूँ, लाइट कलर लूँ या डार्क लूँ, फिर मेरे ये अच्छा लग गया। मैंने कहा सोमू के पास ये वाला कलर अभी था ही नहीं अभी तक तो, है ना, ऐसे कलर की कोई टॉवल नहीं रही है ना, तो फिर मैं यही ले आई हूँ तो पसंद आ गई उसे। टॉवल टावर ये मेरी वो करता रहता है हमेशा। मैंने कल गलत बोला, तू बता। टावल टावल तौलिया, बस तौलिया तौलिया सही है, ठीक है। ऐसे मैंने समूह दुकान पे बोला टावल दिखाना, तो वो भी कहने लगा का तो वो मुझे ने कहा बोला समझ में नहीं आई है ना, फिर मैंने कहा तौलिया, अच्छा तौलिया। मैंने मुझे बोलना ही नहीं आता इंग्लिश। ये देखो मैं लाई हूँ अपने लिए रेड कलर का ये ब्लाउज। मैं सही पूछूँ तो मैंने पीले कलर का ही मांगा था ये, और ये फिर मैंने कहा रेड कलर का ये हौजरी में जो होता है ना वो लेके आई हूँ। खोलना सामू मेरा एक ही हाथ है। ये देख ये अच्छा लग रहा ना, ये ना बहुत कंफर्टेबल रहता है, ये हौजरी कपड़ा होता है ना बहुत कंफर्टेबल रहता है। कभी कभी मन कर ही जाता है ना साड़ी पहनने का, तो घर में भी जब पहन लो ना साड़ी तो ये कपड़ा अच्छा लगता है, कॉटन होता है ना गर्मियों में अच्छा रहता है, तो इसलिए लेके आई हूँ मैं। तो जी चलो हो गया टाइम हमारे दूध लाने का, तो ये ले लिया डब्बा और चलते हैं दूध लेने के लिए। एक गिलास ग्लूकोज पी लिया इंस्टेंट एनर्जी के लिए। देखो बंदर ये देखो कैसे लटक के जा रहा है, देख रहे कैसे उतर रहा है बंदर।